99% लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा हेल्दी नहीं है। वो उसका कारण चाहे पोल्यूशन हो, इतना जहर भरा पड़ा है, हवाएं जहरीली हैं, पानी जहर घुला हुआ है, मिट्टी में, खाने पीने की चीजों में, और सब रेस्पिरेटरी ट्रैक पर अटैक करते हैं। किसी का जेनेटिकली फेफड़ा कमजोर है, करो सब इसको 10 मिनट तक करने का अभ्यास करो। और जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कमजोर है उसको कोरोना होगा, उसको सर्दी जुकाम बुखार बार बार होगा, उसको निमोनिया होगा, उसको डबल निमोनिया होगा, उसको सार्कोडाइसिस लंग फाइब्रोसिस होगा, उसको एक्यूट अस्थमा होगा, उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम का कैंसर होगा, फेफड़ों का कैंसर, टीबी। बचना है, योग कर लो। यदि किसी कारण से आपको जेनेटिकली फेफड़े कमजोर है तो आप 20 मिनट से लेकर आधा घंटे तक भस्त्रिका करो। अब देखो, आपके ऊपर कोरोना का अटैक हुआ और आपके फेफड़े को उसने पूरा ध्वस्त कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, लंग भस्ती करना, पतंजलि बाम की लपेट लगाना, दिव्य धारा सूंघना, ज्योति स्मृति से नस्य करना, सप्ताह में 1-2 बार जब वक्त हो तो लहसुन प्याज हल्दी अदरक दिव्य धारा या यूकेलिप्टस के पत्ते और पेस्ट करके सबका या लेप लगा लेना, आधा घंटे तक वो लेप लगा के उसमें भी प्राणायाम करना। अब कुछ इतने आलसी जीव हैं, कुछ भी लपेट लगा ली, कुछ लेप लगा ली, बोला हमारा काम हो गया बस, अब इससे आगे सांस लंबे नहीं लेने। अरे जो भी आपको लेप लगा रहे हैं, लपेट लगा रहे हैं, आपको स्टीम दे रहे हैं, लो, लेकिन प्राणायाम मत छोड़ो। लंग भस्ती हम करवाते हैं, खाली पेट स्वासारी गोल्ड देते हैं, करक्यूमिन गोल्ड भी दे देते हैं, जिसको की पित्त प्रकृति हो तो खाने के बाद दे देते हैं, 1-2 कैप्सूल स्वासारी गोल्ड। फेफड़े बिल्कुल ही बेकार हो गए तो उसमें स्वर्ण वसंत मालती। और एक बात सुन लो, जिनके फेफड़े बहुत कमजोर हो गए, सहस्रपुटी अभ्रक भस्म, ये रामबाण है, फेफड़ों के लिए इतनी जबरदस्त ये औषधि है कि जो 1/4 ग्राम से लेकर के अपरिहार्य परिस्थितियों में जब रेस्पिरेटरी सिस्टम का अटैक हो जाता है तो 0.5 ग्राम तक हम दे देते हैं, शहद के साथ चटा देते हैं और फेफड़े एकदम फर्स्ट क्लास, लक्ष्मी विलास संजीवनी कर्कमिन गोल्ड स्वासारी श्वास को उठार, जो भी दिन भर दिव्य पे पिलाना, सुबह शाम स्वासारी क्वाथ और उसमें पंचकोल पिला देना, बच्चे हैं तो उनको स्वासारी प्रवाही दे देना, उनको मीठा मीठा पीने को अच्छा लगता है, बच्चे काढ़े कूढ़े पीने पसंद नहीं करते, दूध में हल्दी शिलाजीत ले लिया, च्यवनप्राश ले लिया, और हम तो खजूर कल्प करा देते हैं, जब फेफड़े बिल्कुल ही बेकार हो जाते हैं। अब ये इतनी बड़ी समस्या है, दुनिया की करीब 90% आबादी के फेफड़े कमजोर है, और जो मैं उपाय बता रहा हूं, चाहे आप ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट हैं, 80-90% आपके फेफड़े ने काम करना बंद कर दिया, अब लोग 5-10 बार ऐसे करते हैं फिर बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं बनेगा। 1000 बार भस्त्रिका करना है, कितनी बार, जोर से बोलो, अरे सारे तो बोलो, 1000 बार भस्त्रिका कर लिया ना तो खाली रेस्पिरेटरी सिस्टम ही स्ट्रांग नहीं होता, पूरी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, प्राण शक्ति, जीवनीय शक्ति, जीवन किसको कहते हैं, महर्षि पाणी कहते हैं जीव प्राण धारण, प्राण शक्ति प्रबल है तो जीवन है, नहीं तो प्राण निकल गए तो मरी जाओगे, और जीते जी भी प्राण शक्ति कमजोर है तो मुर्दों की तरह जियोगे, कोई जिंदगी है, करो।